Hello friends, a very good evening. Welcome to SSC Veda. How are you all? कैसे हैं? मजा आ रहा है? वैसे तो हम सुबह भी 10 बजे मिले थे आज अपने हिस्ट्री के क्रैश कोर्स के डे टू में, जो कि आपने देखा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा आई गेस. कमेंट्स करो, भारी भरकम कमेंट्स करो, कैसा लग रहा है, मेरी मेहनत से आपको फ़ायदा हो रहा है. वो दोस्त, मेरी वो फ्रेंड्स, वो लड़कियां, वो लड़के जो कोचिंग नहीं ले पा रहे किसी भी मजबूरी से, फैमिली प्रॉब्लम से, मेरी तरह उन लोगों को मेरे इस पहल से अच्छा लग रहा है, आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है. अगर आप लोगों को थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है, 10-15%, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ मैंने फ़ेस करी वो कोई और फेस ना करे. सब पढ़े और सिलेक्शन ले और अपनी सभी मम्मी पापा के लिए जो जो करना चाहते हैं उसे ज़रूर कर पाएँ, यही मैं चाहती हूँ. अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम लिंक को से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, PDF उस पर ही प्रोवाइड करूँगी. तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ पर जाकर ऐड हो जाइए, अपने आप को सब्सक्राइब कर लीजिए उससे, ताकि सारी अपडेट्स और जो भी मैं उस पर क्वेश्चंस अलग से भी PDF भेजूँगी उनको सॉल्व करती रहिए टाइम टाइम पे, क्योंकि हर चीज़ का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है. मैं PDF वहाँ पर डाल दिया करूँगी और अपने सभी फ्रेंड्स को भी उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दें. तो अब हम डिस्कस करते हैं 20 फेब का पार्ट 2. पार्ट 1 मैंने कल डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके पहले देख लीजिए, ये उसी के कॉन्टिन्यूशन में है. उस वीडियो में कल पार्ट 1 में हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम कर लिया था, और अब पार्ट 2 में हम वन वर्ड और स्पेलिंग्स करेक्शन करेंगे. तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला क्वेश्चन क्या आया था हमारा? पहला क्वेश्चन आया मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी. मिस अप्रोप्रिएशन माने, देखो, मिस माने कुछ गलत, और अप्रोप्रिएशन किसी चीज़ का कुछ गलत बताना, अपना हिसाब किताब जो है उसको गलत बताना, उसमें कुछ गलती करना, उसमें मिस अप्रोप्रिएट करना, उसमें छुपाना, यानी कि एक तरह से चुराना, छुपाना, पिल्फर. SSC बहुत पूछता है, पिल्फर माने चुराना, लूटना किसी चीज़ को, पैसे को लूटना, तो उसको बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी. अब इसके लिए क्या वर्ड्स दिए SSC ने, देखते हैं. पहला वर्ड दिया एब्रिजमेंट. एब्रिजमेंट, देखो यार, अगर ऐसे और ऐसे कोई चीज़ है उसके बीच में ब्रिज बना दिया, तो उसको अब आपको पहले ये पानी था यहाँ पे, आपको पूरा घूम के ऐसे जाना पड़ता था. ब्रिज बनने से आपकी चीज़ें शॉर्ट हो गई, अब आप फटाफट पहुँच जाते जो आप घूम के पहुँचते थे. तो एब्रिजेंट माने किसी चीज़ को छोटा करना, डिमिनिश कर देना, उससे एब्रिज कर दिया हमने. तो यहाँ तो पैसे चुराना था, तो ये इसका आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? कंडायमेंट. देखो, कंडायमेंट में रूट वर्ड क्या है? कंडायर. कंडायर माने किसी चीज़ को पुट इन करना, किसी चीज़ को डालना, रखना. तो कंडायमेंट माने जैसे आपका खाना है, आपने उसमें नमक डाला या अचार साथ में लेके खा रहे हो, तो आप किसी चीज़ में अगर फ्लेवर ऐड कर रहे हो, उस चीज़ को के अंदर स्वाद लाने के लिए कोई चीज़ कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं कंडायमेंट, यानी कि कुछ पुट इन करना, कुछ डालना. तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो कुछ चुराना चाहते हैं और यहाँ पे तो हम दे रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है? एम्बेजलमेंट. देखो फ्रेंड्स, एम्बेजलमेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी ही बार एग्जाम में पूछ लिया SSC ने, CPO में, CGL में, MTS में. एम्बेजलमेंट माने मिस अप्रोप्रिएशन, यही इसका आंसर है. एम्बेजलमेंट माने अगर पैसे से रिलेटेड कोई भी हेरा फेरी करी गई, तो यानी कि वो फिर हम बोलते हैं एम्बेजलमेंट ऑफ मनी. तो हेरा फेरी अगर की गई तो उसे बोलते हैं एम्बेजलमेंट ऑफ मनी. तो यही इसका आंसर है. और चौथा ऑप्शन क्या है? बिरीवमेंट. बिरीवमेंट माने अगर हमारे हम किसी जिससे हम प्यार करते हैं उनकी डेथ हो जाए, तो उससे जो हमें दुख होगा, मौर्न होगा, ग्रीफ होगा, उसे हम बोलते हैं बिरीवमेंट. देखो, इसको याद करने का, देखो, रीव है ना, रीव, ऐसे समझ लो ये लीव है, कोई हमें छोड़ के चला गया हमेशा के लिए, तो हम दुखी होंगे या नहीं? तो बिरीवमेंट माने जब कोई चला जाए हमसे दूर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्या था? क्वेश्चन नंबर 18. वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम वन पर्सन और प्लेस. अब अगर किसी के पास ऐसी कला है बोलने की इस तरह से कि ऐसा लगे कि आवाज़ किसी दूसरे पर्सन से आ रही है, किसी दूसरी जगह से आ रही है, जैसे कि बोल मैं रही हूँ और आपको लगे कि कोई और बोल रहा है, भाई ऐसा लगे, तो उससे क्या बोलते हैं? देखो, इसके ऑप्शन SSC ने क्या दिए थे. पहला ऑप्शन दिया था एब्सोल्यूटिस्ट. एब्सोल्यूटिस्ट माने क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट माने जो बिलीव करे
की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मतलब देखो एब्सोल्यूटिस में क्या वर्ड है, एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, देखो एब्सोल्यूट माने क्या होता है, कोई चीज़ एक, हम कोई चीज़ ना एब्सोल्यूटली ये करो, बिल्कुल यही करो, ऐसे करो, तो एब्सोल्यूटली माने कि कोई बेस्ट चीज़ हो और सिर्फ एक ही बंदा पावर में हो जिसको पूरी पावर दे दे, जिसको कि वही हम पे रूल करेगा, तो एब्सोल्यूटिस माने जब एक ही बंदा पावर में हो। यहाँ पे बोलने की बात तो हुई नहीं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या था, बिब्लिसिस्ट, बिब्लिसिस्ट माने जो इंटरप्रेट करे बाइबल को, देखो बिब्लिसिस्ट में बाइबल वर्ड यूज हुआ है, तो जो बाइबल को समझाए वो बिब्लिसिस्ट है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वेंट्रिलोक्यूस्ट, देखो फ्रेंड्स ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, मैंने अपनी 17 या 18 फेब में ही एसएससी ने लोक्यूस से 4 1 वर्ड में वर्ड्स पूछे थे, मैंने आपको ये वेंट्रिलोक्यूस भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। देखो फिर यहीं पे पेपर्स के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी नया कहाँ था। तो वेंट्रिलोक्यूस्ट माने, वेंट्री माने क्या होता है, वेंट्री माने जो हमारे एब्डोमेन से आए, यानी कि अंदर पेट से जो आवाज़ निकले, इतनी तेज़ हो, इतनी तेज़ बोल रहे हैं कि अंदर पेट से चिंगाड़ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं, और लोक्यूस्ट माने बोलना, ठीक है ना। इसी से मैंने बताया था एलिक्वेंट वर्ड भी आता है, तो स्पीकिंग इसका मतलब, लोकेस का मतलब बोलना, तो जो पेट से बोले मतलब अलग अलग आवाज़ें निकाले, यही इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, क्लेवरिस्ट, क्लेवरिस्ट क्या होता है कि क्लेवर क्या होता है, एक म्यूजिकल बोर्ड होता है, तो जो उसको म्यूजिकल बोर्ड को प्ले करे उसे क्या बोलते हैं, हम क्लेवरिस्ट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लेवरिस्ट माने जो म्यूजिकल बोर्ड को प्ले करे। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्या, तो इसका आंसर एक बार मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि जो जिसके अंदर 8 हो अलग अलग तरह से बोलने की, उसे हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिलोक्विस्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, वन हु चेंजेस साइड्स, देखो जो साइड्स चेंज करे, मतलब साइड का मतलब ये नहीं कि इधर से उधर करवट ले ली, ना ना, साइड का मतलब क्या है, जो दल बदलू हो, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, अरे यार वो तो बड़ा ही दल बदलू है, बेपेंदी का लोटा है, तो उसको हम बोलेंगे वन हु चेंजेस साइड। अब इसके ऑप्शंस क्या आते हैं, पहला एसेटिक, एसेटिक क्या होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ अभी ही इन पेपरों में, एसेटिक माने जो अपने अपनी जो मन की इच्छाओं को त्याग कर एक सन्यासी जैसा जीवन बिताना चाहे, एसेटिक वो होता है, तो ये एसेटिक तो यहाँ नहीं होगा, वो तो बेचारा सीधा साधा, ये तो दल बदलू है। टर्न कोट, देखो यही इसका आंसर है, देखो कोट इसको याद कैसे करो, कोट, अब कोट को आप चाहे इधर से पहन लो या फिर उसको दूसरी साइड से पलट के पहन लो, तो दोनों तरफ से बदल सकते हो ना, ऐसे याद कर लो। तो टर्न कोट माने जो अपने आप का दल बदलता रहे, भल दल बदलू हो, उसे हम बोलते हैं टर्न कोट। नेक्स्ट क्या है, वर्च्यूस हो, ये भी बता दिया अभी ही वीडियो में, पिछली वाली देखा हो तो, वर्च्यू क्या होता है, स्किल्ड, यानी कि कोई लर्न्ड पर्सन, कोई एक्सपर्ट, जिसे एक्सपर्ट हो किसी चीज़ का, वो होता है वर्च्यूस हो, तो ये बेचारा तो एक्सपर्ट है, ये तो दल बदलेगा नहीं, ये नहीं होगा। और नेक्स्ट कनॉइजर, ये भी वीडियो में बता दिया प्रीवियस, फिर से बता देती हूँ, कनॉइजर माने कि जानना, जो लवर हो किसी चीज़ का लेकिन एक्सपर्ट नहीं है, मुझे पियानो बजाना पसंद है बट मैं पियानो बजाने वाली नहीं हूँ, तो इसका मतलब मैं कनॉइजर हूँ। कनॉइजर को याद करने का तरीका, कौन नॉजियर, तो उसको पता तो है, लवर तो है लेकिन एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, अब जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करे उसे क्या बोलते हैं, देखो पहला ऑप्शन क्या था, साइनोश्योर, साइनोश्योर क्या होता है, देखो साइनो शाइनो, देखो शाइन से बन रहा है साइनोश्योर, तो जो शाइन करे, यानी कि जो अगर आप पार्टी में बहुत अच्छे से बन के जाते हो, सुंदर से लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, बॉयज़ या गर्ल्स बहुत प्रिटी लग रही हैं कोई, तो वो पार्टी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई, सब उसे ही देख रहे हैं, देखो कितने प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी लग रही है, तो साइनोश्योर माने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किसी जगह का, एक ऐसा बंदा, तो साइनोश्योर तो नहीं होगा, यहाँ तो डैमेज की बात हुई है। नेक्स्ट क्या है, डेमागॉग, ये भी लास्ट वीडियो में ही बताया, डेमागॉग माने भड़कीला उपदेश देना, एक ऐसा स्पीच जिससे पब्लिक इंसाइट हो जाए, यानी कि लीडर जो है वो जो जनता है उनके इमोशंस का फायदा उठाकर जो उन्हें भड़काने का स्पीच देती है उससे बोलते हैं डेमागॉग, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एपिक्योर, ये भी लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से बताती हूँ, एपिक्योर माने जिससे खाना बहुत पसंद हो, जो अच्छा अच्छा खाना और अच्छी ड्रिंक्स लेना पसंद करता हो, उसे बोलते हैं एपिक्योर, एपिक्योर या एपिक्योरियन, मैंने एपिक्योरियन वर्ड बताया था, उसी से मैंने बताया था कि एपिक्योर वर्ड भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स।
और नेक्स्ट है तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट है वैंडल। वैंडल क्या होता है? जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डेलिबरेटरी डिस्ट्रॉय कर, डेलिबरेटरी मतलब जान पूछ के, तो जो पब्लिक की प्रॉपर्टी को जान पूछ के डिस्ट्रॉय करे वो है वैंडल। और इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं वैंडलिज्म। तो वैंडलिज्म का मतलब यही है जो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्सा है, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करे वो वैंडल है, और इसी का आंसर यही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वन हु डाइज विदाउट अ विल, जो अपनी विल के बिना ही मर जाए, यानी कि अपनी वसीयत के बिना ही मर जाए, उसे हम क्या कहेंगे? देखो पहला ऑप्शन है इंटेस्टेट। देखो इंट माने इन माने नॉट, ठीक है? जैसे ए बी माने क्या बताया मैंने आपको कई बार, ए बी माने अवे, ऐसे इन माने क्या बताती हूँ बार बार, इन माने नॉट। ये कुछ वर्ड्स याद रखा करो, बहुत काम आते हैं। और टेस्टेटर, टेस्टेटर माने जिसकी कोई वैलिड विल ना हो, जिसकी कोई, जो अपनी विल नहीं, एक एक सही, एक करेक्ट फॉर्मेट में जो विल नहीं बना कर गया, वसीयत नहीं बनाए, तो हम उसे बोलते हैं इंटेस्टेट। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? एफेमिनेट। एफेमिनेट क्या होता है? देखो एफेमिनेट मतलब वुमेनिश, एक ऐसा आदमी जो औरत की तरह बिहेव करे, ये एक तरह की इंसल्ट है। अब जैसे ऐसे कोई गा गा के बोले मैंने तो ऐसा नहीं किया, तो एफेमिनेट मतलब अ मैन हु बिहेव लाइक अ वुमेन, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फ्यूजिटिव, ये भी लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से बता रही हूँ। फ्यूजिटिव माने जो भगोड़ा, जो लॉ, लॉ से फ्ली करे, मैंने ये बताया ना, फ्ली करे, रन करे, बच्चे, उसे हम बोलते हैं फ्यूजिटिव, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन हेयर टिक। देखो हेयर टिक क्या होता है? हेयर टिक मतलब एक ऐसा पर्सन जो हमारी सोसाइटी के एक्सेप्टेड बिलीव्स है उनको ना माने, कि अब हेयर टिक मैं कुछ नहीं मानने वाला, अब तो मैं बस अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, मुझे नहीं मानना ये सब आपके जो विचार, ये जो कल्चर, ये सब चीज़ें, ये सब पागलपन है, बेकार है, वो सिर्फ अपनी ही चलाएगा, उसे हम बोलते हैं हेयर टिक। उसके लिए एक दो वर्ड जो SSC एक और बहुत बार पूछ चुका है वो भी यही जाने, डॉगमैटिक या नॉन कन्फॉर्मिस्ट। डॉगमैटिक या नॉन कन्फॉर्मिस्ट का मतलब भी यही होता है जो सोसाइटी के एक्सेप्टेड बिलीव से डिफरेंट बिलीव करे, कुछ अलग सोचे, उससे हटकर उसकी सोच हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या था? इंटेस्टेट। नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वन वन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास कोई पैसा नहीं, बेचारा गरीब इंसान है जो, उसके ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन था हमारा पॉलीग्लॉट। देखो ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पॉली माने मैनी और ग्लॉट माने गला, एपिग्लॉटिस से बनाया था, बायोलॉजी में हम एपिग्लॉटिस पढ़ते हैं, तो पॉली माने मैनी, ग्लॉट माने गला, तो जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, उसके गले से तरह तरह की भाषाएं निकल जाएं, वो है पॉलीग्लॉट। अब देखो पॉपर, पॉपर देखो पॉपर को याद करने का तरीका, पुअर, डेस्टिट्यूट ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, डेस्टिट्यूट माने अभाव, जिसके जीने की बेसिक नेसेसिटी जो है उसका भी अभाव हो, वो बंदा है पॉपर। यही इसका आंसर है, जिसके पास कोई पैसा नहीं वो बेचारा पॉपर है। लूनेटिक, लूनेटिक माने इनसेन, यानी कि पागल। अब देखो लूनेटिक में लूना रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? मून, चांद। लूना, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स लगता है, तो लूनर जो जब चांद बीच में आता है, और लूनर जब सन, तो लूनर एक्लिप्स मून से ही बना। अब इसका मतलब पागलपन कैसे हो गया फिर? मून तो बड़ा अच्छा शांत सा है, देखो एक दिन मून ऐसा होता है, फिर मून थोड़ा ऐसा हो जाता है, फिर और ऐसा हो जाता है, फिर एक दिन गायब भी हो जाता है बिल्कुल, तो वो अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, जैसे कि कोई पागल हो, तो इससे ही हमारा ल्यूनेटिक वर्ड बना है। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे ना इसे फ्रेंड्स, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। और रेक्ल्यूज, ये भी, ये तो दो दो बार आ चुका है अभी। रेक्ल्यूज माने जो क्लोज से, मैंने कहा था जो अपने आप को क्लोज कर ले, एक जगह बंद कर ले, जो अकेला रहना पसंद करे, जैसे एसेटिक, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को सभी ब्लेम से फ्री कर देना, आज़ाद कर देना, उस पर कोई ब्लेम, उस पर कोई इल्ज़ाम ना लगाना, उसे हम क्या बोलेंगे? इसके ऑप्शंस क्या हैं? हाई ब्रो, हाई ब्रो माने जिसको ऐसा लगे कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ लर्निंग में या किसी भी चीज़ में। सोचो सोचो, कोई आपको देखकर अपनी भौहें ऐसे चढ़ा ले ऊपर की तरफ, आपको देख के, तो मतलब वो बहुत बन रहा है खुद को, ओह मुझे तो तुमसे ज़्यादा आता है, तुम हो क्या मेरे सामने, इस तरह की सोच रखने वाला बंदा हाई ब्रो है। ठीक है, तो यहाँ पर तो फ्री थोड़ी ये कर रहा है वो ब्लेम से, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा एक्सोनरेट, देखो एक्स, एक्स सबको पता होती है, एक्स सिर्फ बचना होता है, तो एक्स माने फ्री हो जाना किसी चीज़ से,
अब ओनरेट, ओनरेट में ONE, उसको ओन समझो, ओन माने खुद के बर्डन से, खुद के बर्डन से यानी कि अपने सभी इल्ज़ामों से जो आज़ाद हो जाए उसे एग्जोनरेट बोलते हैं, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है, एस्केपिज्म। एस्केपिज्म क्या है, एक ऐसा एंटरटेनमेंट, एक ऐसा मौज मस्ती करने का ज़रिया जिसमें इंसान अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उन्हें भूल जाता है थोड़े टाइम के लिए, उसे बोलते हैं एस्केपिज्म। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो, जैसे कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा या SSC का रिजल्ट इतना डिले हो रहा है, तो उससे बचने के लिए हम कुछ चीज़ें करेंगे, एस्केपिज्म करेंगे। हो सकता है हम, कोई लड़कों को क्रिकेट देखना पसंद हो सकता है, कोई मूवी देख के अपना टाइम पास कर रहा हो सकता है, कोई पढ़ पढ़ के ही टाइम निकाल रहा है, तो हम एस्केपिज्म करें, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है थोड़े टाइम के लिए अपने गमों को भूलने के लिए हम उसे कर रहे हैं। और हो सकता है कोई तो कुछ पी भी रहा हो, तो फ्रेंड्स ऐसे पीने पीने का काम थोड़ा कम करें, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, हैंड पैक। हैंड पैक माने हैंड पैक, अब देखो हैंड पैक, हैंड को एकदम पैक कर दिया, यानी कि जोरू का गुलाम, जो जोरू का गुलाम होता है उसे क्या बोलते हैं, हैंड पैक। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर था क्या, एग्जॉनरेट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या था, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत ही कम बोले बेचारा, जो बहुत ही कम बोलेगा उसे क्या बोलते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है, बोहेमिया। बोहेमिया मतलब वन फ्री फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स बिलीफ, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़ीवादी बिलीव्स, जो रूढ़ीवादी बातें हैं उनसे जो खुद आज़ाद रहे, जो एक फ्री स्पिरिट हो, आज़ाद पंछी हो, जिसे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनके रिवाज क्या हैं, उससे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बोहेमिया। और बोहेमिया को तो वैसे ही सब जानते हैं, गाने सुनते हैं बोहेमिया के, तो वो अपना अलग आज़ाद पंछी की तरह मस्त गाने लिखते हैं, मस्त गाते हैं, और हमें उनके गाने भी बहुत पसंद आते हैं, तो वैसे ही हम उन्हें याद कर सकते हैं कि बोहेमिया वो हैं, ठीक है। तो अब वो तो बहुत बोलते हैं, तो वो ये तो नहीं होगा, ठीक है। रेटिसेंट, देखो रेटिसेंट माने, देखो सेंट साइलेंट से बन गया है ये, रेटिसेंट, तो जो चुप रहे वही रेटिसेंट हो, यही इसका आंसर है। अपोस्टेट, ये लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है फिर से बता रही हूँ। अपोस्ट्रॉफी मैंने कहा था ऐसे हवा में अलग से लटकी होती है ना, अगर सन्स है तो हवा में ऐसे एस, तो जो अलग हो जाए, जो अपने धर्म को त्याग दे, अपने फेथ को त्याग दे, वो अपोस्टेट है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। आर्बिट्रेटर, देखो आर्बिट्रेटर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है उसको सॉल्व करवाए, आपके और आपके दोस्त के बीच में लड़ाई हो गई, अब आपका एक तीसरा दोस्त आके कह रहा है भाई बात कर ले, तू भी भाई बात कर ले, छोड़ो मिट्टी डालो बात पे, आगे बढ़ो, तो वो कौन बना हमारा, आर्बिट्रेटर बना। बचपन में कहानी सुनी थी, दो बिल्लियां हैं बेचारी रोटी के लिए लड़ती है, बीच में बंदर आता है उनकी लड़ाई सुलझाने और खुद ही रोटी खा जाता है, तो वो आर्बिट्रेटर था। इसको याद करने का तरीका कि आर्बिट्रेटर में क्या वर्ड आ रहा है, बिट्रेटर, यानी कि बिटर, कुछ कुछ कड़वाहट है उसको दूर करने जो आ रहा है वो है आर्बिट्रेटर। तो ये आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, रेटिसेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, अ मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, यानी कि डाकुओं के समूह का जो एक बंदा है, एक मेंबर है, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन क्या थे, कैनिबल, ये भी लास्ट वीडियो में बताया था, कैनिबल से क्या है, केनाइन से बना है। केनाइन आपने पढ़ा होगा ना, कैनाइन मतलब जो मांस खाता है, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस और कैनिवोरस, तो कैनाइन का है जो अपनी ही जाति का मांस खाए, चाहे अगर ह्यूमन का खाता है तो ह्यूमन कैनिबल, अगर लायन अपनी जाति का लायन खाता है तो वो भी कैनिबल है, लेकिन वो अपनी जाति का है तो कैनिबल माने जो अपनी जाति का मांस खाए, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रिगैंड। ब्रिगैंड माने वन हु लिव्स बाय प्लंडर, यूजली अ मेंबर ऑफ ए बैंडेड। देखो प्लंडर मैंने अभी ऊपर बताया था, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी में, प्लंडर माने लूटना, पिल्फर करना, स्टील करना, तो जो लूटे लूटे लोगों को लूटे और एक डाकुओं के समूह का मेंबर हो उसे हम बोलते हैं ब्रिगैंड, तो यही इसका आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट माने अपने देश के लिए एक अंधाधुन भक्ति होना। देखो इसके दो मीनिंग है, एक तो देश के लिए अंधाधुन भक्ति होना और एक एक आता है मेल शॉविनिज्म, ये बहुत अच्छा वर्ड है, SSC ने कई बार पूछा भी है, इसको जान लो। मेल शॉविनिज्म क्या होता है कि मैं मेल अपने आप को सोसाइटी में सोचता है कि मैं तो भाई सुपीरियर हूँ, मैं ऊंचा हूँ, और वुमेन लोग हमसे नीचे ही हैं,
वो हमारे की बराबरी नहीं कर सकती। तो इस तरह की सोच रखने वाले बंदे को हम बोलते हैं मेल शोविनिस्ट है ये। और दूसरा, जो अपने देश के लिए एक अंधा भक्त हो उसे भी बोलते हैं शोविनिस्ट। तो यहाँ पर भी ये आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है? कॉक्यूट। कॉक्यूट माने क्या होता है? कॉक्यूट माने एक ऐसी फ्लर्ट करने वाली औरत जो अपनी बातों से और अपने एक्शन से ऐसे शो करे कि हाँ, मतलब आदमियों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, उन्हें ऐसा फील कराए कि हाँ देखो मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, चाहे प्यार से बातें करे या फिर कुछ एक्शंस ऐसे करे, तो उसे हम बोलते हैं कॉक्यूट। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, पेड़ों के नीचे एक छायादार जगह, उसको हम क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन क्या है? डीबेनोर। डीबेनोर माने कॉन्फिडेंट एंड चार्मिंग। देखो डीबेनोर माने, मैंने इसको ऐसे याद किया था कि मेरे कॉलेज में एक बंदे का नाम था देवशीष, तो मैं और वो देखने में भी अच्छा खासा था, हैंडसम था, तो मैंने कहा ठीक है। तो डीबेनोर, देवशीष इज डीबेनोर, ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज चार्मिंग, देखने में भी अच्छा है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास की कमी भी नहीं है, तो डेबिनॉयर कौन है? देवशीष डेबिनॉयर है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? बॉवर। बॉवर माने क्या होता है? अ प्लेजेंट शेडी प्लेस, यानी कि अब देखो, अब पेड़ है, पेड़ की ये क्या है? पत्तियां हैं, ठीक है, ये ऐसे बो कर रही हैं, बो माने क्या होता है? झुकना। तो ऐसे ये पत्तियां सारी झुकी हुई हैं ऐसे नीचे की तरफ, और उसके नीचे अब कोई बंदा आराम कर रहा है। तो बॉवर माने कि जो पत्तियां झुकी हुई हैं उसके नीचे, उसकी छाया में आराम करना। तो यही इसका आंसर होगा। याद करने का तरीका भी बता दिया, यानी कि एक तरह की सेंचुरी या आर्बर भी बोल सकते हैं। सेंचुरी में क्या होता है कि हमारे जानवर रहते हैं तो वो छाया में रहते हैं पेड़ की, तो वो भी बॉवर का ही एक मतलब है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? गॉरमेंट। गॉरमेंट माने क्या होता है? जो एन्जॉय करता है खूब सारा खाना खाना, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। गवर्नमेंट माने अच्छा अच्छा खाना खाना जिसे खूब पसंद हो, एक ग्लटन पर्सन हो, जो जिसे खूब खाना पसंद हो, ग्लटन वर्ड भी उसी के लिए यूज़ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। और फ्यूजिटिव, फिर से ये ना जाने कितनी बार आ चुका है SSC ने, इसी बार शिफ्ट, इन शिफ्टों में कितनी बार पूछ लिया भगोड़ा इसका मतलब। तो इसका आंसर क्या था? पॉवर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अ स्मॉल प्लेस फॉर वर्शिप। वर्शिप यानी कि पूजा के लिए एक छोटा स्थान। अब इसके ऑप्शंस क्या आते हैं? बेल। बेल माने लार्ज क्वांटिटी प्रेस टाइटली। देखा होगा आपने कभी कभार आपके घर में सामान शिफ्ट होता है तो एक बेडशीट के अंदर सारा सामान डाल के उसकी एक गांठ बांध देते हैं, ऐसे गांठ बांध देते हैं उसकी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बेल। बेल माने गठड़ी बांध देना, सारा सामान इकट्ठा करके उन्हें दबा दबा के टाइटली प्रेस कर देना। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है चेपल। चेपल माने एक असेंबली की जगह, क्रिश्चियन चर्च के पीछे होती है जहाँ पे पूजा की जाती है, और यही चेपल होता है, और यही इसका आंसर होता है यहाँ पर कि पूजा करने का एक छोटी सी जगह जो चर्च के पीछे होती है। ठीक है, अब अगला है कैशे। कैशे माने हिडन जगह, यहाँ पे जहाँ पे चीज़ें इकट्ठी हो जाए। अब आपने देखा होगा सब गूगल चलाते हैं लैपटॉप पे, फ़ोन पे, तो गूगल चलाते हैं तो एक कैशे मेमोरी बन जाती है। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को तो पता भी होगा। तो कैशे मेमोरी क्या होती है कि जो आप रिसेंटली सब चीज़ें चला रहे हो वो उन चीज़ों के लिंक्स शेयर कर लेता। तो अगर आप बार बार फेसबुक चलाते हो तो आप FAC लिखोगे, अपने आप पूरा आ जाएगा। तो वो अपने आप कैसे आ जाता है? या जो जो साइटें आपको पसंद हैं, आपकी फेवरेट साइट्स हैं, वो एकदम जरा सा लिखते ही पूरी पूरी कैसे आ जाती है? क्योंकि वो कैशे में स्टोर हो जाती है, यानी कि एक हिडन जगह स्टोर हो जाती है और वहाँ पर से फटाफट आपको रिजल्ट देती है, तो उसे ही बोलते हैं हम कैशे। तो ये भी आंसर यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है ब्रूड। ब्रूड माने चिंता करना, जैसे कि ब्रूड ओवर फेलियर, आपकी हार हो गई, आपके उस पर आप पर चिंता चिंतन कर रहे हो, तो ब्रूड ओवर, और इसके बाद प्रीपोजिशन क्या यूज है? ब्रूड ओवर। ठीक है, दूसरा एक और मतलब होता है इसका, ऑल यंग बर्ड्स, ऑल यंग बर्ड्स ऑफ वन मदर, एक ही मादा के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, लेकिन एक ही मादा के, अलग अलग मादाओं के नहीं, एक मादा के जो बच्चे हैं उन्हें बोलते हैं ब्रूड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या था? चेपल। नेक्स्ट पे आते हैं, अ पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी, जिसके पास ना घर है, ना जॉब है, ना पैसा है, अब ऐसा पर्सन को क्या बोलेंगे? बेचारा बड़ा ही दयनीय स्थिति में है, मैं तो इतना बोलूंगी। चलो देखते हैं SSC ने क्या बोला उसको। नार्सिस्ट। नार्सिस्ट माने देखो, नार्सिस्ट माने जो खुद से ही प्यार करे, खुद में ही इंटरेस्ट हो उसका। देखो इसी से एक वर्ड आया, नार्सिज्म। नार्सिसिज्म, ये भी SSC ने बहुत बार पूछा। तो नार्सी वर्ड जहाँ दिख जाए ना, समझ लो अपने बारे में बात कर रहा है, बस खुद में इंटरेस्ट है, अपने से अलावा किससे मतलब नहीं उसे।
ठीक है, ये आंसर नहीं है डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट माने क्या होता है, इसके दो मतलब हैं। एक तो कि अपनी ड्यूटी के बारे में, ड्यूटी के लिए जिम्मेदार ना होना, उसमें गलतियां करना, लैग करना अपनी सेंस से, अपनी जिम्मेदारियों से। और दूसरा मतलब है कि कोई ऐसी जगह जो अब किसी यूज में ना हो। आपका एक घर है देहरादून में, आप यहाँ रहते हैं यूपी में, तो वो आपका एकदम यूज नहीं हो रहा, पड़ा है, तो वो एक डेरिलिक्ट हाउस है, अ हाउस नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, तो डेरिलिक्ट माने, अब एक तरह से हम इसका आंसर यही होगा, हम कैसे कह सकते हैं ये, देखो हमारे पास घर भी अब हमारा यूज़ में नहीं है, हम अपनी ड्यूटी भी सही से नहीं कर रहे, तो जॉब भी हमारी चली जाएगी, प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट माने जो बिन अपने ट्रेडिशन कल्चर में बिलीव नहीं करता। देखो इसका ही जैसा एक वर्ड बताते हैं बोहिमिया, और आइकोनोक्लास्ट माने जो अपने ट्रेडिशंस में, अपने कल्चर में बिलीव नहीं करता, नहीं मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं, रूढ़िवादी बातें हैं। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है इम्प्रेगनेबल, ये लास्ट वीडियो में बताया था, जिसे भेदा ना जा सके, प्रेगनेबल से ही पेनिट्रेट था, जिसके अंदर घुसा ना जा सके, जिसको पार ना किया जा सके, वो है इम्प्रेगनेबल। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, डेरिलिक्ट इसका आंसर है। हमारे वन वर्ड खत्म हुए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं स्पेलिंग करेक्शन पे। मैं स्पेलिंग करेक्शंस के साथ उनके मीनिंग भी बताती हूँ, ताकि अगर नेक्स्ट ईयर हमारे ये क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको ऐसा लगे कि कुछ नया कराया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम जल्दी से करते हैं एडमोनिशन। एडमोनिशन देखो, पहले तो ये स्पेलिंग्स देखते हैं, ADMONITION ये सही है। एडजोरेशन ये कुछ नहीं होता, एडज्यूरेशन होता है, ADGO की जगह यू आएगा, तो ये सही करा हमने। नेक्स्ट है एस्टिवेशन, ये सही है। और चौथा एडल्ट्रेशन, ये तो पहले भी आया, ये भी सही है। एडमोनिशन माने क्या होता है, किसी को डांटना, किसी को स्कोल्ड करना, तो वो होता है एडमोनिशन। एडज्यूरेशन क्या होता है, अपील करना कि आई एडज्यूरेट, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि ऐसा करिए ऐसा करिए, तो मैं बोलूँगी मैं एडज्यूरेट कर रही हूँ। ठीक है, एस्टिवेशन माने क्या होता है, देखा जब एक फूल बनता है तो उसकी पहले जो कली होती है वो ऐसे बंद होती है, उसके अंदर जो ऐसे कलियाँ छोटी छोटी बंद होती हैं, तो उसका अरेंजमेंट ही, पेटल्स का अरेंजमेंट ही फ्लावर और बड, फ्लावर की जो बड है, जो कली है, उसमें खुलने से पहले, खुलने के बाद तो वो ऐसा फूल बन जाता है ना, प्यारा सा फूल, सुंदर सा गुलाब का जैसे, तो लेकिन पहले जब वो बंद होता है तो उनका जो अरेंजमेंट होता है पेटल, कैसे वो एक के ऊपर एक पूरी बनी होती है, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। और एडल्ट्रेशन तो मैंने बताया था कि किसी चीज़ की क्वालिटी ख़राब कर देना, खाने में कुछ मिला देना, उसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस माने किसी को के लिए मन में या कुछ बहुत ही गलत भावना होना, कुछ कड़वाहट होना। एक्री देखो, एक्री माने बिटर, कुछ कड़वा, लाइक एसिड, एक्री मतलब कुछ एसिड की तरह, और मोनिया मतलब मीडियम या कंडीशन, तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमें अंदर जहर हो, जहर सा भर गया हो, वो भी सोच में जहर, तो उसे बोलते हैं एक्रीमोनियस। ठीक है, अब देखो ये स्पेलिंग सही थी, एलेक्रिटस, ये भी स्पेलिंग सही है, ALACRITOUS, ये एकदम सही है। एलेक्रिटस का रूट वर्ड क्या है, एलेक्रिटी। एलेक्रिटी माने कि बहुत ही चुस्त फुर्तीला होना, एक्टिव होना। अब अगला वर्ड था एम्बिगस, देखो एम्बिगस नहीं होता, GUOUS होता है, ये करेक्ट है। और एम्बिगस माने कोई चीज़ अनसर्टेन है, आपको नहीं पता, ये लास्ट वीडियो में आया था तो मैं फिर से बता रही हूँ, एम्बिगुअस माने आपको कुछ क्लियर नहीं है कि क्या होगा, उसे हम बोलते हैं एम्बिगुअस। और चौथा क्या है, एनोनिमस। एनोनिमस मतलब, एनोनिमस में नेम वर्ड दिख रहा है ना, जब हमें नेम पब्लिकली हमारा ना हो, उसे हम बोलते हैं एनोनिमस। जैसे कि बहुत सारी पोएम्स होती है जिसका राइटर अपना नाम नहीं लिखता, तो वो एनोनिमस हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है अनमैनेजेबल। जिएबल होता है, देखो यहाँ जेबल लिखा है, अनमैनेजिएबल होता है, ठीक है ना, जो मैनेज नहीं किया सकता, जिससे डील करने में दिक्कत हो रही है, वो अनमैनेजेबल है। नेक्स्ट है इमपेनिट्रेबल, ये तो अभी ऊपर बताया, ये स्पेलिंग भी ठीक है, जिसे भेदा नहीं जा सकता, है ना। अनअसाइलेबल, अनअसाइलेबल क्या है, असाइलेंट माने क्या होता है, अटैक करना, वॉयलेंट अटैक, तो जिस पे अटैक नहीं किया जा सकता वो है अनसाइलेबल। और लास्ट था अनफेथोमेबल, देखो फेथोम, फेथोम माने क्या होता है, कुछ जानना, देखो फेथोमीटर पता है ना, ये रीजनिंग में बहुत बार आता है SSC में, अभी यहीं जान लो, फेथोमीटर माने जिससे पानी की गहराई को मेजर करते हैं, उसका माप करते हैं, पानी की गहराई को, वाटर की डेप्थ को, उसे हम बोलते हैं फेथोमीटर।
और फैथोम, उसी से आया फैथोम माने जानना, जैसे गहराई जानना पानी की, तो किसी के बॉटम तक जाना, किसी चीज़ की एकदम गहराई तक पहुंचना, उसे बोलते हैं फैथोमेबल, और जब नहीं पहुंच पाए तो वो अनफैथोमेबल। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, कृपा करके शेयर करें, प्लीज़ प्यार दें अपना थोड़ा सा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि वो पढ़ें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और आज हमारे 25 के दोनों पार्ट ख़त्म हो गए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल शाम को 6 बजे 21 का पार्ट 1 करेंगे। तो उससे पहले आप सारे पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें देख लें अच्छे से। और हाँ, आज रात को 9 बजे क्लोज टेस्ट की वीडियो आएगी, तो आप सब प्लीज़ याद रखें कि आपको वो देखनी है। वीडियो छोटी होगी लेकिन बहुत अच्छी है, बिल्कुल आजकल के न्यूज़पेपर से मैंने आर्टिकल को उठाया है, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको। पीडीएफ उसकी आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम लिंक पे। नहीं नहीं आपने ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन करके डाउनलोड करके सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, काम करने से घबराएं मत, यही तो समय है मेहनत करने का। ये अभी 24-25 साल की उम्र में नहीं मेहनत करोगे तो कब करोगे? आलस छोड़ो और मेहनत करो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, बी एनर्जेटिक, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखें, एंड लव यू ऑल, टेक केयर फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।